एक लंबा समय पहले स्वर्णपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में वीरेंद्रा और जानकी नामक पति पत्नी रहते थे। वीरेंद्रा उसी गांव में रिक्शा चलाता था। एक दिन दोपहर के समय में जब वो रिक्शा चला रहा था तो उसे रस्ते में एक औरत खड़ी हुई दिखती है। रुकिए, रिक्शा रोकिए। तब वो उस औरत के पास उसका रिक्शा रोकता है। आपको कहाँ जाना है जी? पड़ोसी गांव जाना है। ठीक है, रिक्शा में बैठिए। और तब वो औरत रिक्शा में बैठ जाती है। उसके बाद वीरेंद्रा पड़ोसी गांव की ओर चलाते रहता है। जब वो उस गांव के सरहदों तक पहुंचता है तो रिक्शा में बैठी औरत चारों ओर किसी को ना होते देख अचानक एक भूत में बदल जाती है। सामने वाली उस पेड़ के पास रोक दो, बस कुछ ही देर में गांव पहुंच जाएंगे ना जी, बीच रास्ते में इस पेड़ के पास क्यों रोकना? मैं जो कह रही हूँ वो करो बस। जी, आपके कहे के अनुसार ही यहाँ रोक दूंगा। ऐसे वो भूत की गुस्सा से डर कर रिक्शा वाला रोक देता है। वैसे आपने मुझे यहाँ रोकने क्यों कहा है जी? ऐसे पूछते हुए जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे वो औरत नहीं दिखती है और वो चौंक जाता है। हाँ, कहाँ गई वो औरत? तो फिर अब तक मुझसे बात कौन कर रहा था? और ऐसे वो रिक्शा से उतरकर उस औरत को ढूंढने लगता है। और तब अचानक पेड़ के नीचे रखे रिक्शा उसके सामने प्रकट होती है। मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। उसकी आंखों के सामने रिक्शा का प्रकट होना और उसमें से किसी का आवाज आना और वहां कोई ना दिखना देख वो हैरान हो जाता है। कौन बात कर रहा है? मुझे दिखे बिना कहां से बातें आ रही है? वो डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। तब अचानक वो भूत उसके सामने प्रकट होती है और उसे देख वो दंग रह जाता है। हाय भगवान, ये तो भूत है। भूत को देख वो जोर से चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उसे घूरने पर वो एकदम से भागते हुए जमीन से ऊपर उड़ने लगता है। कृपया मुझे कुछ मत करो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, मुझे छोड़ दो। हवा में उसे ऐसे उड़ते और कांपते हुए देख वो भूत उसे नीचे उतार देती है। बहुत देर तक रिक्शा में बैठने के कारण मैं थक गई हूँ, तुम पंखे से हवा मारो और मैं आराम करूंगी। ये कह के वो उसकी मांत्रिक शक्ति से एक पंखे को प्रकट करती है और उसके हाथ में देती है। वो पंखा लहराता है और भूत आराम करती है। उफ, भूत तो आराम से सो रही है, यही अच्छा मौका है। उसके जागने से पहले मुझे यहाँ से निकल जाना होगा, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगी। और वो तुरंत उसकी रिक्शा को छोड़कर वहां से गांव की ओर भागता है। दोपहर होने के कारण रिक्शा चलाने वाले सारे एक जगह पर रुक के अपने अपने रिक्शा में बैठे रहते हैं। भागते हुए वीरेंद्रा वहां पहुंचकर उनके पास जाता है और डरते हुए उन सबको जो कुछ भी उसके साथ हुआ बताता है। क्या, तुम्हारे रिक्शा में एक भूत बैठी थी? दोपहर की धूप में तुम्हें ऐसे लगा होगा, ये भूत वूत सच में थोड़ी होते हैं। हाँ, ये सच है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर उस जगह जाके पता करना चाहिए कि सच क्या है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? आप लोग भी मेरे साथ वहाँ आओ, अपनी आंखों से खुद देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें। चलो, मैं तुम सबको मेरे रिक्शा के पास ले जाऊंगा। ऐसे वो उन सबको उसके रिक्शा के पास ले जाता है। इतने में सोते हुए भूत हवा ना आने के कारण नींद से जाग जाती है। ठीक तभी उसे कुछ दूर में वीरेंद्रा और उसके साथ कुछ लोग दिखते हैं। उनके उसकी तरफ आते हुए देख वो भूत तुरंत उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। रिक्शा में भूत का ना होते देख वीरेंद्रा चौंक जाता है। देखा तूने वीरेंद्रा, यहाँ तुम्हारे रिक्शा के अलावा कोई नहीं है, वो सब तुम्हारा वहम था। सबके ऐसे कह के चले जाने के कारण वो धीरे से रिक्शा को गांव की ओर चलाते हुए सोच में पड़ जाता है। मुझे गहरी नींद में देख वो चुपचाप उसके गांव जाकर उसके दोस्तों को मुझे दिखाने ले आया और मेरी अच्छी नींद भी इसके ही कारण खराब हो गया।
अब से मैं इसे चैन से सोने नहीं दूंगी। ये फैसला करके उस रात को भूत उसका पीछा करते हुए उसके घर तक चली जाती है। पति पत्नी को अच्छी नींद में सोते हुए देख वो भूत रिक्शा की घंटी जोर जोर से बजाती रहती है। घंटी की आवाज सुनकर दोनों अचानक नींद से जाग उठते हैं। सुनिए, इस समय में रिक्शा की घंटी कौन बजा रहा होगा, चलिए देखते हैं। और ऐसे दोनों डरते हुए खिड़की से बाहर झांकते हैं। अपने आप रिक्शा की घंटी का बजना ही नहीं बल्कि रिक्शा भी अपने आप वीरेंद्रा के घर के चक्कर मार रही थी। और उस रिक्शा में एक भयानक भूत को बैठे देख वो दोनों दंग रह जाते हैं। हाय भगवान, रिक्शा की घंटी अपने आप बज रही है, रिक्शा अपने आप चक्कर मार रही है और उसमें एक डरावनी भूत बैठी है। जोर से मत बात करो जानकी, वो सुन लेगी। उस रात को डर के मारे पति पत्नी दोनों सो नहीं पाते हैं और खिड़की से उस भूत को देखते ही रहते हैं। सुबह होते ही वो भूत उनके सामने ही गायब हो जाती है। डर के कारण वो दोनों घर से पूरा दिन बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे ही वो भूत हर रोज रात को उनके घर की चक्कर मारते हुए और रिक्शा की घंटी बजाते हुए उन्हें सोने नहीं देती है। इस कारण वीरेंद्रा रिक्शा चलाना ही बंद कर देता है। कुछ दिनों से वीरेंद्रा रिक्शा चलाने नहीं आ रहा है, न जाने क्यों। उसके घर जाके पता करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं, चलो। और ऐसे वो रिक्शा वाले सारे वीरेंद्रा के घर जाते हैं। वीरेंद्रा, क्या हुआ तुम्हें, कुछ दिनों से काम नहीं कर रहे हो। ये पूछने पर वीरेंद्रा उन्हें सब सच बताता है। तुम डरो मत वीरेंद्रा, आज रात हम भी यही रुकेंगे और हमारे साथ ही इस गांव के तांत्रिक को भी ले आएंगे। और तब वो उस गांव के तांत्रिक के पास जाकर उन्हें सब कुछ समझाते हैं और उन्हें उनके साथ ले आते हैं। हर रोज रात की तरह ही उस रात भी वो भूत घंटी बजाते हुए और घर के चक्कर मारते हुए रहती है। उस रिक्शा में एक भूत को बैठे देख सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तांत्रिक उस भूत को उसकी तांत्रिक शक्ति से एक बोतल में बंद करके उसे उसके साथ ले जाता है। उस तांत्रिक की सहायता से वो उस भयानक भूत से छुटकारा पाते हैं और तब से पति पत्नी दोनों खुशी से जीते हैं। एक लंबे समय पहले हेमंतपुरम नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में दो पीने के पानी वाले कुएं थे, लेकिन गांव वाले सिर्फ एक कुएं से पानी लेते हुए मेहनत करते थे। उसी गांव को गोपाल और विमला नामक दो पति पत्नी नए नए जाते हैं। एक दिन विमला पानी के लिए कुएं के पास जाती है। उस कुएं से कुछ ही दूर एक और कुआं उसे नजर आता है। इस कुएं के पास तो बहुत लोग हैं। उस तरफ का कुआं दूर है मगर वहाँ कोई नहीं है, तो जल्दी घर पहुँच सकती हूँ। ऐसे सोच के उस तरफ के कुएं की ओर जाती रहती है जब उसे वहाँ की औरतें देखती हैं। सुनिए, गांव में नहीं आई है क्या? हाँ जी। उस कुएं की तरफ कोई नहीं जाता है, सब सिर्फ इसी कुएं का पानी लेते हैं। क्यों, उस तरफ के कुएं के पास नहीं जाते हैं क्या? कहा जाता है कि उस कुएं में एक भूत रहती है, इसलिए कोई उस तरफ नहीं जाता है। क्या, उस कुएं में भूत है? ऐसे डर के पीछे आके बाकी औरतों के साथ ही दूसरे कुएं में पानी लेकर घर चली जाती है। उस दिन विमला सुबह जो कुछ भी हुआ उसके पति को बताती है। आज के दिन में भी तुम भूत प्रेत को मानती हो। अगर ये सच नहीं होता तो लोग एक ही कुएं से इतना मेहनत करके पानी क्यों लेंगे? तो तुम मान रही हो कि उस कुएं में भूत है? मैं साबित करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। भूत हो या ना हो हमें उससे क्या लेना देना, इस बात को छोड़ दीजिए। पर तुम तो उनकी बातों का यकीन मान रही हो ना? देखना, मैं कल ही वहां जाके साबित करूंगा कि भूत नहीं है। ऐसे कह के सो जाता है। अगले दिन भूत का ना रहना साबित करने के लिए उस कुएं की ओर बढ़ता है। चलते चलते उसे बीच में एक बुजुर्ग मिलता है।
इनको पूछूंगा तो पता चलेगा कि हुआ क्या है और ये कि वहाँ वाकई भूत है कि नहीं। दादाजी, मैं इस गांव में नया आया हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? पूछो बेटा, मुझे अगर पता होगा तो बोलूंगा। मैंने सुना है कि इस गांव में दो कुएं रहने के बावजूद सारे लोग सिर्फ एक कुएं का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे में भूत रहने के कारण उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या किसी ने दूसरे कुएं के पास भूत को देखा है? गांव वालों को कैसे पता है कि वहाँ एक भूत है? सच में उस कुएं में एक भूत का रहना मेरे बचपन में एक दोस्त ने देखा था। भूत को देखने पर इतना डर गया था कि एक महीना वो घर से बाहर ही नहीं निकला। गांव वालों को जब इस बात का पता चला तब से उस कुएं के पास कोई नहीं जाता है। हाँ, तो क्या सच में उस कुएं में एक भूत है? इस बुजुर्ग की बातें सुनकर तो मुझे भी लग रहा है कि शायद वहाँ एक भूत है। ऐसे सोचते हुए उस कुएं के पास जाता है और वहाँ रुकता है। हाँ, भूत के बारे में सोचते हुए मैं तो भूत के ही पास आ गया। बाप रे, अब क्या करूं? गोपाल, गोपाल। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे बुला रहा है? मैंने ही तुम्हें बुलाया गोपाल। ऐसे उसके सामने आके खड़े होती है। आंखें लाल और दिखने में भयानक थी। उसे देख गोपाल बहुत डर जाता है। मगर इस भूत को मेरा नाम कैसे पता है? मैं तो इस गांव में नया आया हूँ ना। कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम इस गांव में नए आए हो ना? कृपया मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे देखने के बाद अब कहाँ जाओगे? ऐसे जोर से कहने पर डर के मारे गोपाल पीछे मुड़े बिना भागते हुए घर पहुंच जाता है। अरे, क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हैं? उस कुएं में एक भूत है, मैंने उसे देखा है और डर से भागते हुए यहाँ आ गया। ऐसे वो भूत देखने के कारण कुछ दिन घर पे ही रहता है। मैंने ही कहा था कि भूत नहीं है और मैं खुद अब भूत को देख के डर के मारे घर पे ही रह रहा हूँ। लेकिन मुझे उस भूत को वहाँ से भिजाना होगा और सबका डर मिटाना होगा। उस कुएं के पानी का तब ही उपयोग कर सकते हैं। उस भूत के पास वापस जाने के लिए डर तो लग रहा है, मगर उसे भिजाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ये फैसला करके उस कुएं के पास जाता है। हाँ, तुम वापस आए हो? मुझे देख के डर नहीं लगता? हैं, तुम्हें देख के क्यों डरूं? तुम्हें तो मैं डराऊंगा। मुझे और डर? मुझे देख के सब डरते हैं और तुम मुझे डराओगे? ये कह के जोर से हंसती है। तुम ये सोच के हंस रही हो कि मैं अकेले आया हूँ ना? देखो अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकेगा? एक बार इस कुएं में झांक के कहो वो बात। ऐ, उस कुएं में क्या है? ऐसे कह के उस कुएं में झांकती है। उसकी खुद का परचाई देख ये सोचकर डर जाती है कि वहाँ एक और भूत है। कौन हो तुम? इस कुएं में कैसे आए हो? अपने आप की बातें सुनने पर उसे लगता है कि सच में वहाँ एक भूत है और ये भी उस भूत ने उसको वापस जवाब दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे ही वापस जवाब दे रहे हो? देखा ना तुमने, मैंने ही उस भूत को वहाँ बंद कर दिया ताकि वो उस कुएं से बाहर ना निकले। तुम्हारा भी यही हाल करूँगा मैं। हाँ, अगर इस आदमी ने उस भूत को मेरी जानकारी के बिना इस कुएं में बंद कर दिया
तो ये सामान्य आदमी नहीं है, और ये भूत तो मुझे ही जवाब दे रही है। मुझे भी अगर उस कुएं में बंद कर देगा तो बहुत भुगतना पड़ेगा। कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकालना होगा। मुझे भी उस भूत की तरफ मत फंसाओ, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। आइंदा कभी इस कुएं के पास नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो। ऐसे वो भूत वहां से चली जाती है। दूसरे कुएं के पास मौजूद गांव वाले ये सब देख के बाकी लोगों को बोलते हैं। गांव वाले सारे गोपाल की बुद्धि का अभिनंदन करते हैं। तब से गांव वाले पीने के पानी के लिए दोनों कुओं का उपयोग करते हुए खुशी से जीते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में आधी रात को दिखने में भयानक लंबी बाल वाली एक चुड़ैल अजीब आवाजें बनाते घूमती रहती थी। बहुत समय से आधी रात होते ही हमारे गांव में अजीब आवाजें आ रही हैं। पता नहीं कौन करते रहता है। हाँ, उस समय में सभी दरवाजे बंद करके अंदर ही रहते हैं। एक दिन वो चुड़ैल जब उस गांव में घूमते रहती है, खिड़की से उसे एक सुंदर औरत सोते हुए नजर आती है। हर रोज ये सारे गांव वाले मेरा अपमान करते थे कि मैं बदसूरत हूँ, इसीलिए मैं मर के चुड़ैल बन गई, और इसीलिए मैं अब इस खूबसूरत औरत में घुस के इस गांव में कोई भी औरत को खूबसूरत नहीं रहने दूंगी। मेरे मौत के लिए जिम्मेदार इन गांव वालों से बदला लूंगी। ऐसे फैसला करके तुरंत उस औरत में घुस जाती है, और सुबह होते ही वो फिर से साधारण औरत बन जाती है। अगले दिन से अजीब आवाजें ना आने के कारण गांव वाले सारे खुश हो जाते हैं, लेकिन वो चुड़ैल उस गांव में मौजूद सारे सुंदर औरतों को बदसूरत बनाने लगी, और सुबह होते ही मामूली बन जाती है। एक दिन आधी रात को वो चुड़ैल एक खूबसूरत औरत को सोते हुए देखती है। कितनी सुंदर हो तुम, अब देखो मैं तुम्हें क्या करती हूँ। वो चुड़ैल उस औरत पे हाथ फैलाती है और वो तुरंत बदसूरत बन जाती है। हा हा हा, अब अच्छी लग रही हो तुम, ऐसे कह के वहां से चले जाती है। सुबह उठते ही प्रीति को कुछ याद नहीं रहता है। क्या हुआ मुझे? ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है। रात भर मैं क्या इनके बगल में ही थी? मुझे उनसे पूछना होगा। सुनिए, इधर आइए। क्या हुआ, नींद से जागते ही इतने जोर जोर से चिल्ला रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि रात में कुछ हुआ है। मैं रात भर आप ही के बगल में थी ना जी? हाँ, मेरे बगल में ही सोई थी। क्यों? ठीक है, कुछ नहीं जी। सतीश गांव में जाते ही सारे लोग को एक जगह इकट्ठा देखता है। ये क्या, इतने लोग एक ही जगह? क्या हुआ होगा? ऐसे सोचकर उस भीड़ के पास जाता है। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों इकट्ठा हुए हैं? तुमने मेरी पत्नी को पहले देखा है ना, अब देखो कैसे बदल गई। पहले हमारे गांव में अजीब आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन अब वो आवाजें नहीं आ रही हैं। हमें पता नहीं है कि तुम्हारे पत्नी को बदसूरत किसने बनाया, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा। आज से हर रोज सभी के घर में कोई एक आदमी रात भर सोए बिना जगे ही रहना होगा। सभी हो रहे घटनाओं के बारे में बात करके दुखी हो रहे थे। सतीश वो सब सुन के डरते हुए वापस घर चले जाता है। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हैं? गांव वाले कह रहे थे कि जो औरतें सुंदर है वो अचानक बदसूरत बन जा रही है। तुम सावधान रहो, अगर किसी पे शक है तो मुझे तुरंत बता दो। आपकी बातें सुनकर मुझे भी डर लग रहा है जी। उस रात को सारे गांव वाले लिए हुए फैसले के अनुसार करते हैं, और अपने घर में सतीश भी सोने की नाटक करता है। ठीक 12 बजे प्रीति को बिस्तर से उठकर एक आईना लेके उसमें अपने आप को देखते हुए देख सतीश दंग रह जाता है। है, अब हर रोज की तरह मुझे इस आईने को छुपाना होगा। ऐसे सोच के
तुरंत चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। उस आईने को एक जगह छुपा के घर से निकल जाना सतीश देख डर के मारे बिस्तर पे बेहोश हो जाता है। सुबह होश में आके नींद से जाग उठता है। प्रीति को हमेशा की तरह देख वो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या हुआ, आप मुझे देख ऐसे डर क्यों रहे हैं? मैं क्यों डरूंगा, मुझे किसी से डर नहीं है। ऐसे कांपते हुए डर के मारे गांव वालों के पास जाता है और जो कुछ उसने पिछली रात को देखा था वो सब बताता है। आज के समय में भी भूत प्रेत को मानते हो? क्या तुम सच में तुम्हारी पत्नी को चुड़ैल के रूप में बदलते हुए देखा? तो तुम सोच रहे हो कि गांव में हो रहे घटनाओं का तुम्हारी पत्नी वजह है? अगर तुम लोगों को मेरे बात पे यकीन नहीं है तो मेरे साथ मेरे घर आओ, मेरी पत्नी को दिखे बिना एक कोने से उसे देखो। सतीश के ऐसे कहने पर गांव वाले उसके साथ उसके घर जाते हैं और एक कोने में छुप जाते हैं। रात के 12 बजते ही प्रीति अचानक नींद से जाग के एक आईने में अपने आप को देखना वो सब देखते हैं। उस आईने में देखते हुए वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये देख सारे डर जाते हैं। उस चुड़ैल को घर से बाहर जाते हुए देख सारे उसका पीछा करते हैं। वो चुड़ैल एक सुंदर औरत को देख उसके पास जाती है। कितनी सुंदर हो तुम, देखना मैं तुम्हें कितनी बदसूरत बना दूंगी। ऐसे कह के वो अपने हाथों को फैलाती है और उसे बदसूरत बना देती है। ये सब देख गांव वाले दंग रह जाते हैं। हा हा हा, बाकी औरतों को भी ऐसे ही बदसूरत बनाना होगा। अब तो मेरे बातों का यकीन करोगे ना तुम लोग? तुम सही कह रहे थे, अगर हमने इस चुड़ैल को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो सबको बदसूरत बनाएगी। इसका हल जल्दी सोचना होगा। एक मिनट, ये अपने आप को आईने में देख चुड़ैल बनी है, इसका मतलब ये है कि इसका और उस आईने का कुछ संबंध है। हाँ, मैंने भी उस दिन यही देखा। उस चुड़ैल से पहले ही घर पहुँच के हमें उस आईने को ढूंढना होगा। हाँ हाँ, चलो चलो। ऐसे सारे गांव वाले सतीश के घर जाके उस आईने को ढूंढते हैं। जब तक वो चुड़ैल घर लौट आती है, गांव वालों के हाथ में उस आईने को देख डर जाती है और उस चुड़ैल के अंदर आते ही गांव वाले भी डर जाते हैं। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी, डरो मत, बस वो आईना मुझे दे दो। ऐसे तांते हुए कहती है। चुड़ैल जब बात कर रही होती है, डर के मारे हाथ कांपते हैं और आईना उनके हाथों से फिसल के नीचे गिर के टूट जाता है। आईना टूटते ही वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला के उस शरीर को छोड़ के चले जाती है। कुछ देर बाद प्रीति होश में आ जाती है और हमेशा की तरह रहती है। ये तो अच्छा हुआ कि आईना हमारे हाथों से फिसल के टूट गया। कुछ किए बिना ही ये समझ आ गया कि इस आईने में ही इस चुड़ैल का प्राण था। उस चुड़ैल के जाने पे सारे बदसूरत औरतें वापस खूबसूरत बन गई और गांव वाले भी खुश हुए। तब से गांव वाले उस चुड़ैल के बिना खुशी से जीते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में चंद्रैया और शकुंतला नामक पति पत्नी रहते थे। वो दोनों लालची स्वभाव के थे। चंद्रैया बहुत सारे भैंसों को पालते उनका दूध उस गांव वासियों को बेचता था। उस सारे गांव में सिर्फ चंद्रैया दूध बेचता था और वो दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर बेचता था। इतना ही नहीं, वो कम से कम उन भैंसों के बच्चों को भी पीने के लिए दूध नहीं बचाता था। एक दिन जब चंद्रैया दूध लेके गांव को बेचने जाता है, चंद्रैया तुम्हारे दूध में दिन प्रतिदिन पानी की मात्रा ज्यादा हो रहा है, तुम्हारे पास इतने भैंस होने के बावजूद तुम पानी क्यों मिला रहे हो? अगर तुम्हें पसंद है तो मुझसे दूध लो, वरना नहीं मैं यही दूध किसी और को भी दे सकता हूँ। ऐसे गुस्से से बात करके वहाँ से चला जाता है। उस सारे गांव में सिर्फ चंद्रैया ही दूध बेचने के कारण वो जैसे भी दूध दे
सभी चुपचाप उसी से लेते थे। जहाँ वो भैंसों को रखता था उसके बगल में एक बड़े पेड़ पर एक भूत रहती थी। हमेशा की तरह चंद्रैया सारे भैंसों के पास जाकर उनसे दूध निचोड़ के पानी मिला के सबको बेचने जाता है। हर रोज ये लालच के कारण इतना दूध निचोड़ता है कि हमारे खुद के बच्चों को पिलाने के लिए कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, हम हर रोज देखते हैं कि वो दूध में पानी मिलाता है। हम बचपन से उसी के पास बड़े हुए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें उसे एक सबक सिखाना ही होगा। ऐसे आपस में बात करते रहते हैं। जब वहाँ की भूत उनकी बातें सुनकर सोचती है, हर रोज इन भैंसों की दुखी बातें मैं नहीं सुन पा रही हूँ, और इतना ही नहीं, इस आदमी के दूध में पानी मिलाने के कारण गांव वाले भी दुखी हो रहे हैं। इन भैंसों की सहायता से ही इस आदमी को सुधारना होगा। ऐसे सोचकर वो भूत उन भैंसों के पास आती है। तब मैंने तुम सब की बातें सुनी है, अगर तुम लोग मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारे मालिक को सुधार सकते हैं। कौन हो तुम? तुम हमारी बातें सुन सकती हो? मैं एक भूत हूँ, इसी पेड़ पे रहती हूँ। मैं हर रोज तुम्हारी बातें सुनते रहती हूँ। हम तुम्हारी बात सुनेंगे, मगर वादा करो कि तुम हमारे मालिक को कुछ नहीं करोगी, सिर्फ उन्हें एक सबक सिखाओ बस। ठीक है, तुम्हारे मर्जी के अनुसार उन्हें कुछ नहीं करूंगी। ऐसे कह के हमेशा की तरह चंद्रैया उनसे दूध निचोड़ने जाता है। जब वो निचोड़ने लगता है तब वो भैंस उसे जोर से लात मारती है। बाप रे शकुंतला, मेरा पीठ टूट गया। ऐसे जोर से चिल्लाने पर शकुंतला अपने पति के पास आती है। अरे रे, क्या हुआ? आप गिर कैसे गए? उस भैंस को आज कुछ हुआ है, जब मैं दूध निचोड़ने गया तो उसने मुझे जोर से लात मारा। आप रुकिए, मैं भी जरा देखूं कि ये भैंस दूध कैसे नहीं देगी। ऐसे कह के शकुंतला उस भैंस से दूध निचोड़ने की कोशिश करती है, और उस भैंस ने शकुंतला को भी उसके पति के ही तरह जोर से लात मारती है। तुरंत उनके बच्चे ही सारे दूध पी जाना देख पति पत्नी कुछ नहीं कर पाते हैं, सिवाय उनको देखना। अरे रे, सारा दूध सिर्फ ये बच्चे पी रहे हैं, कुछ तो कीजिए। आज के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, शाम को वापस आएंगे दूध निचोड़ने। ये फैसला करके वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब दोनों वापस दूध निचोड़ने जाते हैं तो सुबह की ही तरह वो भैंस उन दोनों को लात मारती है। ये देख पति पत्नी दोनों डर के मारे घर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिनों तक भैंस उन्हें दूध निचोड़ने नहीं देती है, और सारा दूध सिर्फ अपने बच्चों को पिलाती है। सुनिए, कम से कम हमारे उपयोग के लिए तो दूध निचोड़ के आइए ना। बाप रे, हम अगर इस गांव में भी दूध नहीं दे पा रहे हैं तो भी ठीक है, मैं तो उस भैंसों के पास नहीं जाऊंगा। वहाँ के भैंसों में से एक को कुछ तो हुआ है, इसीलिए हमें दूध निचोड़ने नहीं दे रही है, और सिर्फ उसके बच्चों को दूध पिला रही है। उतना चाहिए तो तुम खुद निचोड़ने जाओ। बाप रे, मैं अकेले? नहीं नहीं, हम दोनों मिलके दूध निचोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, कल सुबह जाएंगे। ठीक है जी। भैंसों के पास जाते हैं। शकुंतला, पहले तुम जाओ। ऐसे कहने पर शकुंतला उन भैंसों के पास जाके दूध निचोड़ने की कोशिश करती है। जब वो निचोड़ने की प्रयत्न करती है तो वो भैंस जोर से लात मारती है। बिना दूध दिए अपनी पत्नी को लात मारने के कारण चंद्रैया को गुस्सा आता है, और वो एक डंडे से भैंस को मारने लगता है। मेरी पत्नी को दूध निचोड़ने नहीं दोगे तुम? हाँ, ऐसे कहते हुए जोर जोर से मारता है, मगर उस भैंस की जगह चंद्रैया खुद पिटता है, और इसी कारण उस भैंस को मारना बंद कर देता है। लेकिन उसके बाद भी उसको और उसकी बीवी को डंडे से मार पड़ते ही रहते हैं। हम आइंदा कभी भी दूध निचोड़ने नहीं आएंगे, हमें मत मारो।
अरे हिम्मत है तो ऐसे दिखे बिना नहीं, सामने आके मारो हमें। ऐसे कहने पर वो भैंस अचानक एक भूत के रूप में बदल जाती है। मैं ही तुम लोगों को मार रही थी। सिर्फ कुछ दिन दूध ना ले पाने के कारण और घर पे दूध ना होने के कारण गुस्सा होके तुम इस भैंस को मारने चले आए, तो फिर कुछ सालों से जो तुम सारे दूध को उनके बच्चों के लिए बचाए बिना ही ले जाके बेचने पर इन भैंसों को कितना बुरा लग रहा होगा। हाँ, आज से अगर कभी भी तुमने दूध में पानी मिलाया या फिर भैंसों के बच्चों के लिए दूध न बचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं यही रह के तुम पे नजर रखूंगी। हाँ, हमें माफ कर दो, आज से हम ये कभी नहीं दोहराएंगे। ऐसे कहने पर वो भूत वहाँ से गायब हो जाती है। तब से उस भूत के डर से चंद्रैया और शकुंतला भैंसों के बच्चों के लिए कुछ दूध को बचा के बाकी को निचोड़ के उसमें पानी मिलाना बंद करके बेचते हैं। भैंस भी उनके मालिक के सुधारने के पीछे उस भूत के ही हाथ रहने का सच जान के बहुत खुश होते हैं। गांव वाले सारे चंद्रैया को अच्छा गुणवत्ता वाले दूध देते हुए देख खुश होते हैं कि उसमें बदलाव भी आया है।